नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्रिस्टीना मीणा आज आपको कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन पार्ट एक चलो चले स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ। सब लोग अपनी किताब खोल लें और ध्यान से किताब में चित्रों को देखें और जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर अपनी अपनी उंगली चलाएं, है ना। अभी अपन पाठ पढ़ेंगे। पाठ एक, चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, किस तरीके से बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। बांस से बना पुल, क्या दिया है यहाँ पर चित्र में, बांस से बना पुल। कहाँ का है ये, असम का है। अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। बच्चे क्या इसमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन कठिनाई में डालते हुए बांस के पुल से उसको पार करते हैं। बारिश बहुत तेज होने के कारण कभी कभी क्या होता है, घुटनों तक पानी भी भर आता है, फिर भी हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। एक हाथ में हम किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़कर हम पार करके पुल, बांस का पुल पार करके स्कूल जाते हैं। अब करके देखो, चलो करके देखें, किताब में सब बच्चे देखेंगे, है ना। चलो करके देखें। कुछ ईंटे लो, यहाँ पर मैंने चित्र में बनाए हैं, देखो ये ईंटे, इस प्रकार की ईंटे। कुछ ईंटे लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की क्या करो, कोशिश करो। क्या यह आसान लगा, आप लोगों को यह आसान लगा, करके देखना। अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांस को बांध कर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं, कई बार चलोगे तो आसान लगेगा, एक बार चलोगे तो फिसल भी सकते हो, गिर भी सकते हो। बार बार प्रयत्न करने से क्या होता है, चल सकते हैं उस पर। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर, क्यों। ट्रॉली से, अभी अपन ने क्या देखा, बांस से बना पुल, कहाँ का था ये, असम का था, जहाँ पर बांस के पुल पर बच्चे चलकर स्कूल जा रहे थे। अब दूसरा क्या आ गया, ट्रॉली से। ट्रॉली, सभी ने ट्रॉली देखी है, नहीं देखी है तो अपनी किताब में ये चित्र बना है, इसमें देखना। ये कहाँ का है, लद्दाख का चित्र है, कहाँ का है, लद्दाख का। इसमें स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। बच्चे क्या कह रहे हैं कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी को पार करना होता है। वह कैसी होती, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रॉली। लकड़ी से बना झूला, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, नदी को पार करते हैं। ये कहाँ का है, लद्दाख का। इसमें 4-5 बच्चे ट्रॉली में बैठकर नदी के उस पार पहुंच जाते हैं और स्कूल जाते हैं। अब इसी का उदाहरण यहाँ पर किताब में दे रखा है, करके अपने को देखना है। चित्र यहाँ बता रखा है, सब किताब में देखेंगे। चित्र पहले और दूसरे को देखो, बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो। इन दोनों में से किस तरीके से खींचना आसान होगा, पुली घिरनी के साथ या बिना पुली के साथ, किस तरीके से खींचना आसान होगा, बिना घिरनी के या बाल्टी रस्सी से बांधकर। अपने
अपने आसपास देखो तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते हो, उनकी सूची बनाना है। किताब में बता रखा है कुएं से किस प्रकार पानी खींच रहे हैं, उसी प्रकार तुमको भी करके देखना है। आगे आ जाएगा सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल कहाँ रहता है? शहर में। अपने यहाँ भी होगा, सभी ने देखा है सीमेंट का पुल। सीमेंट के पुल में हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती है। कई पुल आपने देखे होंगे अपने शहर में। इस चित्र में देखो यहाँ पर सीमेंट का पुल बना हुआ है, इससे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कितने भी लोग जानवर गाड़ी सभी लोग इस पुल से चढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये पुल क्या होता है, मजबूत होता है और काय से बना होता है, सीमेंट रेत ईंट और सरियों से बना होता है। इस पर चढ़ना उतरना आसान भी होता है और सीढ़ियाँ भी बनी होती है। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? किस तरह अलग है? बांस का बना पुल काय का होता है, वो लकड़ी का होता है, इसमें रस्सियाँ भी होती है, और ये वाला सीमेंट का पुल क्या होता है, मजबूत होता है। अंदाजा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं। कितने लोग पार कर सकते हैं? बहुत सारे आगे पीछे लोग जा सकते हैं, लेकिन बांस के पुल पे इतने लोग आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे, इसका जवाब आप लोग लिखोगे पेंसिल से। अगर तुमको भी इस तरीके से स्कूल पहुंचना पड़े तो कौन से पुल को अधिक आप लोग जाना पसंद करोगे, बांस के पुल से या ट्रॉली से या सीमेंट के पुल से, कौन से पुल से जाना चाहोगे, उसका जवाब यहाँ पर आपको पेंसिल से लिखना है। स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? अगर करते हो तो उसका चित्र भी बनाओ। अपनी दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। आगे देखेंगे, अपने आसपास किसी पुल या पुलिये को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। किताब में ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग इनको पढ़ोगे समझोगे और पेंसिल से लिखोगे। आगे बताया है वल्लभ, केरल, केरल का है ना, पढ़ेंगे अपन। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। यहाँ क्या करते हैं बच्चे, नाव में बैठते हैं, लकड़ी की नाव में बैठकर नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। यह कहाँ का चित्र है, केरल का। आगे देखेंगे ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी वहाँ पर रहती है रेगिस्तान जहाँ होता है। ऊंट कहाँ होते हैं, राजस्थान में। क्या तुम भी कभी ऊंट गाड़ी या टांगे पर बैठे हो, खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है यानी कि गर्म होती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ पर क्या होता है, धूप तेज होने के कारण ऊंट की सवारी की जाती है, ऊंट गाड़ी की। ऊंट पे कितने 8-10 बच्चे, जो भी 4-5 बच्चे बैठकर एक साथ स्कूल पहुँचते हैं। ये ऊंट गाड़ी कहाँ पर होती है, राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान है। तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा, यदि तुम उस गाड़ी पर बैठते हो तो तुमको कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है, अपनी कक्षा में या अपने आसपास इसकी चर्चा करना है। आगे आता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी सभी ने देखी होगी बच्चों, कहाँ पर रहती है बैलगाड़ी, गांव में रहती है अधिकतर। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं और मैदानी इलाके में से हम निकलकर गांव को पार करते हुए बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे स्कूल पहुँचते हैं। क्या
गाड़ियां होती है, क्या उसमें छत होती है, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको क्या करना है, लिखना है। आगे देखेंगे साइकिल की सवारी, क्या देखेंगे, साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 8-7 लड़कियों की ट्रॉली मुश्किल रास्तों को भी क्या करती है, पार कर जाती है। साइकिल की सवारी, पहले साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या हो गई, साइकिल भी आ गई है, तो लड़कियां क्या करती है, अपनी अपनी साइकिल की सवारी करके कठिन रास्तों, मतलब दूरी कितनी भी 8-10 किलोमीटर की दूरी तय कर कर स्कूल पहुंचती है साइकिल की मदद से। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, अब ये अपने को क्या करना है, ये दो प्रश्नों के जवाब अपने अपनी चर्चा करके जवाब में लिखना है। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, आते हैं तो हाँ, नहीं आते हैं तो नहीं। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है, यदि हाँ तो किससे सीखी, यदि तुमको साइकिल चलाना आती है तो तुमने किससे सीखी, बताना है यहाँ पर। आगे देखेंगे जुगाड़ गाड़ी, क्या देखेंगे, जुगाड़ गाड़ी। यह है जुगाड़, हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है, शानदार, आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से देखो तो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ये चित्र में देखो किस तरीके से जुगाड़ गाड़ी में बैठकर बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है, अगर होती है तो हाँ, तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे या नहीं, क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ गाड़ी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे जुगाड़ गाड़ी, क्योंकि यह खुद ही इंसान क्या करता है, मोटर बाइक से पीछे लकड़ी के फट्टे लगाकर पहिए दो जोड़कर खुद ही बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ कैसे बनी होती है, पुराने बच्चे सामान के इस्तेमाल से बनता है, तुम भी कुछ चीज़ों से जुगाड़ से कोई नई चीज़ बना सकते हो। सोचो क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, हाँ ऐसी जगह भी है। आगे पढ़ेंगे जंगल से जाते बच्चे, कुछ बच्चे जंगल से भी स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से भी निकलना पड़ता है, कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। जंगल, जंगल सबने देखे हैं, घने होते हैं, पेड़ पौधे जानवर जंगली जानवर सभी वहाँ पर होते हैं, तो कुछ बच्चों को ऐसी जगह से भी क्या करना पड़ता है, स्कूल पहुँचना पड़ता है। क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो, अगर गुजरे हो तो कहाँ पर, बताना है अपने अनुभवों के बारे में, कॉपी में भी लिखना है जंगल के बारे में, किस तरीके के रास्ते होते हैं, कितनी कठिनाई होती है निकलने के लिए। क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो, कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो, आवाज़ निकालो, ये सब आपको करके देखना है। यदि किसी पक्षी की आवाज़ आप लोग निकाल सकते हो, किसी जानवर की आवाज़, तो वो निकालना है किस तरीके से वहाँ पर गूंजती है। आखिरी में अपन देखते हैं बर्फ पर चलते बच्चे, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे पहाड़ी इलाकों में, उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ पे चलकर कैसे स्कूल पहुँचते हैं, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर, हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए एक दूसरे की मदद से हाथ पकड़ कर बर्फ पर चलते हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हो तो पैर भी क्या होते हैं, फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। ऐसी जगहों से भी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है, अगर देखी है तो कहाँ देखी है, फिल्मों में देखी है या कहीं आसपास देखी है,
ये आपको पता करना है। क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ रहती है या नहीं, और अगर रहती है तो क्यों। आगे देखो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। उत्तराखंड के बच्चे क्या कह रहे हैं, भले शहरों में रहने वाले बच्चों को ये रास्ते क्या लगे, कठिन लगे, लेकिन हमको ये रास्ते क्या होते हैं, सरल लगते हैं। हम दौड़ कर ही इन्हें पार कर लेते हैं, चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो, या फिर भी दूर दूर तक फैली बर्फ हो। हम बच्चे क्या करते हैं, इतनी परेशानी या कठिनाई उठाकर स्कूल पहुंचते हैं। क्या स्कूल पहुंचने में कोई भी परेशानी होती है? होती है उन्हें, लेकिन उनकी आदत सी बन जाती है उन पर चलना। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? सब बच्चे इसमें लिखेंगे कि तुम्हें कौन से महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है, कौन से मौसम में स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। ये सब आपको एक्टिविटी करके देखना है, पढ़ना है इस पार्ट को। आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न है, किसमें इसके बारे में बताना है और क्या क्या लिखना है। सारा किताब में पहले पढ़ेंगे और इनके जवाब आप लोग क्या करोगे, पेंसिल से किताब में लिखोगे। और जो भी क्यों क्या कैसे सब बताई है एक्टिविटी, उसको एक कॉपी में लिखेंगे। और यहाँ पर बोर्ड पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताया है, जैसे बांस से बना पुल कहाँ का है, लद्दाख का है या असम का है, कहाँ का है, कहाँ का है, असम का है। और चलो करके देखें, यह एक्टिविटी किताब में बता रखी है। ईंट, एक एक ईंट को जमाना है और उस पर चलकर देखना है। ये क्रियाएं आपको करके देखना है कि किस तरीके से उस पे चलते हैं बच्चे। और तीसरा है ट्रॉली से। ट्रॉली एक प्रकार का ऐसा बना हुआ रहता है लोहे का, जिसपे पार करके बच्चे पुल को पार करके जाते हैं स्कूल। फिर सीमेंट का पुल कहाँ होता है, यह शहरों में होता है, यह मजबूत होता है और इसपे एक से अधिक लोग, गाड़ी घोड़े जानवर सब एक साथ जा सकते हैं, यह मजबूत होता है। फिर है नाव से। नाव से चलकर बच्चे, ये कहाँ का है, केरल का है। केरल में बच्चे क्या करते हैं, लकड़ी की नाव होती है, उस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, पुल को पार कर कर स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी यह कहाँ मिलती है, रेगिस्तान में। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में। तो ऊंट गाड़ी कहाँ पर होती है, राजस्थान में। के बाद बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो सभी ने देखी होगी, हर एक के गाँव में देखने को मिलेगी। और साइकिल, साइकिल की सवारी, तो आप साइकिल को पहचानते हैं और बहुत से बच्चे साइकिल चलाते भी हैं। तो किसने आपको साइकिल सिखाई और कैसे सीखे हो, आपको ये बताना है। ये पाठ अपना यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।